हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों कैसा चल रहा है आपका तैयारी? ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है ना। एंड आने वाला जो जी का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम, आप अच्छे से करो, बोर्ड के लिए भी आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। ध्यान दो, आज हम लाए हैं क्लास 11 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इसमें जी 2009 में इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया था, ठीक है ना, उसको भी आपको बताएंगे। एंड इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो अब तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं, वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो, ठीक है ना। इससे आपको न्यू अपडेट एंड न्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ध्यान दो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई थिंक इसको आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड का एक सिंपल रेशियो देता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एक सिंपल रेशियो आपको दे देता है, ठीक है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड का एक सिंपल रेशियो आपको देता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। आप डेफिनेशन बस एक बार अच्छे से आप नोट कर लो, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में, बिल्कुल इजी फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बस एक बार आप डेफिनेशन को नोट कर लो। मैं बोला एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, वेयर एज, सेकेंड लाइन, वेयर एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। मैं आपको क्या बोला, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एक सिंपल होल नंबर रेशियो दे देता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का सही नंबर होता है। मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का क्या होता है, वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का एक सिंपल रेशियो देगा, किसी कंपाउंड में सभी एलिमेंट का एक सिंपल रेशियो दे देगा। जैसे आप ग्लूकोज जानते हो, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। आपको पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर यहीं पे कोई बता दे कि ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, कुछ ऐसे रेशियो में होता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताया, तो दैट मीन्स एक इंफॉर्मेशन आपको दे दे, किसी कंपाउंड के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दे, तो इंफॉर्मेशन क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो आपका है एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। मीन्स किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में एक जनरल नॉलेज दे दे, किसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो दैट मीन्स वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। जबकि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का सही नंबर, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। जैसे आयरन ट्राइऑक्साइड आपको बोल दे, ठीक है ना, तो ये आयरन ऑक्साइड का एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया, किसमें आयरन और ऑक्सीजन है, बट कितना नंबर में ये क्लियर नहीं है। मीन्स एक जनरल आपको केवल नंबर दे दे, किसमें ये सब वैल्यू होते हैं, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ग्लूकोज में, नंबर भी थोड़ा बता दिया लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। अगर ध्यान दो, यहीं पे हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू ये आ जाएगा, तो दैट मींस यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का
एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑल आई एम सॉरी एक होल नंबर रेशियो देता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में सभी एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनका एक सिंपल रेशियो देता है, किसमें? एम्पिरिकल फॉर्मूला में। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सभी एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी एलिमेंट का एग्जैक्ट नंबर बताता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला केवल एक जनरल नॉलेज दे देगा कि ये एलिमेंट इतना नंबर में प्रेजेंट है। ओके, तो चलो स्टूडेंट हम इसमें कुछ आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इसमें ध्यान दो, क्वेश्चन फर्स्ट आपका बोल रहा है, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, तो इसको इरेज कर दें। आप नोट कर लिया करो, अदरवाइज क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, आप दोनों भी कर सकते, स्क्रीनशॉट भी एज वेल एज आप नोट भी कर लिया करो, इतना टाइम रहता है। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच हैज आयरन का जो परसेंट 69.9 एंड ऑक्सीजन 30.1%। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें केवल आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। एक बात और, इफ यू गॉट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट देन यू कैलकुलेट द एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। मीन्स फर्स्ट यू नो अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए केवल आपको क्या चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपके पास रहेगा तो आप क्या निकाल लोगे, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला आप सिंपली बता लोगे। केवल क्या पता होना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ध्यान दो, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं आयरन है, आयरन कितना परसेंट है भाई, 69.9। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 30.1। अब आयरन का एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, मीन्स परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मास, तो 69. क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 56। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30.1 डिवाइड बाय 16 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड। इस परसेंटेज कंपोजिशन के ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, इसके परसेंटेज कंपोजिशन से आयरन के एटॉमिक मास से, जो आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल लोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.24 समथिंग, यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 1.88, ठीक है ना। अब इसमें आप दोनों में क्या करो, इसमें और इसमें जो सबसे स्मॉल वैल्यू रहेगी उस स्मॉल वैल्यू से इसमें क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। इसमें स्मॉल क्या है, ये है, तो दैट मीन्स इसी से आप डिवाइड कर दो। एक कॉलम आप पूरा बना लो अच्छे से, देखिए आपको, ठीक है ना, इस तरह आपको एग्जैक्ट दिखता है ऐसा। इसमें जो छोटी वैल्यू उससे दोनों में डिवाइड कर देंगे, 1.24 सबसे छोटी इसी से डिवाइड कर देंगे, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1.88 डिवाइड बाय 1.24, ठीक है ना, ये जैसे डिवाइड करोगे आपका वैल्यू जो आ जाएगा 1.53 समथिंग आता है। मीन्स ये कितना है, समथिंग 1.5 डेढ़, एंड ये कितना है, 1। अब आयरन कितना है, आयरन आपका 1 आया, ऑक्सीजन कितना है, 1.5। आगे का स्टेप ध्यान दो, ये आपका हो गया स्टूडेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या गया ये
एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आपका आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो जो स्टूडेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे देता है कि आयरन का ऑक्साइड बन गया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं देता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सुटेबल नंबर, सुटेबल नंबर स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम टू ही होता है, एंड स्टूडेंट आप टू से ही मल्टीप्लाई करो। अगर एग्जैक्ट कंपाउंड आ जाए जैसे H2O आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप कंपाउंड जान रहे हो कि एग्जैक्ट कंपाउंड क्या है, वो मिल गया है, तो वही उसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ऐसा नहीं, इसमें क्या है, इसमें हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सुटेबल नंबर क्या है, सुटेबल नंबर हमें मिल गया, सुटेबल नंबर हमें क्या मिला, टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe2O3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आयरन का ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या आ गया भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। आप फटाफट इसको नोट कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया, आप फटाफट नोट कर लो। ध्यान दो, इसमें फर्स्ट स्टेप हम क्या किए, फर्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन, क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में देखो परसेंटेज कंपोजिशन को, परसेंटेज कंपोजिशन से किससे डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिवाइड करते। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो स्मॉल वैल्यू आई, स्मॉल वैल्यू यू गॉट, डिवाइड ऑल बाय स्मॉलेस्ट नंबर, लाइक एज हियर कितना स्मॉलेस्ट, दोनों में सबसे स्मॉल क्या है, 1.2। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में आपको यू गॉट वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला पा जाओगे। फिफ्थ स्टेप में क्या कर दोगे, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहीं पे आ गया सिंपल तो आप उसको कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जैक्ट प्रोसेस है, मैं बोलूंगा एक बार आप वीडियो को पूरा अच्छे से फिर से देखो, इससे आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। अच्छे से नोट कर लो सब, हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, हो गया। चलो तो इससे आप क्या करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला बच्चों जो होता है वो किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का एक सिंपल रेशियो दे देता है कि ये एलिमेंट इतने इतने नंबर में शायद है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्ट नंबर में जो एलिमेंट है वही बताता है। ओके, देखो यहां पे हम यहां पे देख रहे हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच हैज हाइड्रोजन 11.18% एंड ऑक्सीजन 88.79%, ठीक है ना।
तो ये आपको क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन में ध्यान दो, आपको केवल क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपको ड्रा करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, फिर से वही आप रूल अप्लाई करो, एक चार्ट आप बना दो, हाइड्रोजन हो गया एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, ये चार्ट आप यहाँ पे ड्रा। इससे स्टूडेंट क्या होता है, सभी स्टेप एग्जैक्ट क्लियर दिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसका परसेंटेज कंपोजिशन 11.18%, ओके, इसका परसेंटेज 88.79%। अब हाइड्रोजन के, आप जानते हो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से इसमें डिवाइड कर दो, 18 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1, यहां भी क्या करोगे 88.79%, तो दैट मींस इससे 16 में डिवाइड, वैल्यू आ जाएगा क्या आया भाई, यहाँ पे तो 11.18 आएगा एंड यहाँ पे क्या जाएगा 16 × 5 = 80 मीन समथिंग 5.54 आएगा, कितना आएगा 5.54। स्टूडेंट मेनी चांस हो गया, इसके लिए वैल्यू सब माइंड में सेट रहते हैं, ठीक है ना। आप देखो इसको आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उस स्मॉल वैल्यू से दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो 11.18 ÷ 5.54 तो क्या आ गया, यहाँ पे समथिंग 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हाइड्रोजन कितना आया, तो ऑक्सीजन कितना आया 1, ये इसका क्या है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है एंड यही आपका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, means empirical formula and molecular formula of compound is same, ठीक है ना। तो इस तरह से हम empirical formula and molecular formula किसी भी compound का calculate करते हैं, okay? तो फटाफट इसको आप note कर लो। हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो। आप किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का एक सिंपल होल नंबर रेशियो दे देता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का एग्जैक्ट नंबर दे देता है, कितना नंबर में है। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में आप क्या किए देख पा रहे हो, केवल आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन होना चाहिए, इफ यू हैव परसेंटेज कंपोजिशन देन यू गॉट देयर एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन में हाइड्रोजन 100 में से इतना है और ये कितना है 88.7 है, दोनों को आप कंबाइन करो कितना हो जाएगा 100 समथिंग आ जाएगा, 100 में से ऑक्सीजन कितना है 88.79 और ये कितना है आपका 11.18। तो मतलब मैं बोलना चाहता हूं केवल परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास रहेगा तो उसका आप एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे, ओके स्टूडेंट। देन मेरा लास्ट लेक्चर जो हुआ था, ठीक है ना, मेरा लास्ट लेक्चर भी अच्छे टॉपिक पे हुआ था, उसको भी आप अच्छा देखो, लेक्चर 4 लेक्चर 1 लेक्चर 2 सभी पे मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे वीडियो आ रहे हैं, ठीक है ना, तो सभी पे एग्जैक्ट फॉर्म में वैसे ही आपके आएंगे, ठीक है ना। इसके पहले मैं टेम्परेचर लास्ट डे के लेक्चर लेक्चर 4 आपको सर्च करना टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाया हूँ। एंड जेई एंड नीट के लिए अच्छे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ते रहो, जानते रहो, ओके स्टूडेंट। देन आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल DS केमिस्ट्री, ओके।